द वीडियो इज रिगार्डिंग की ऑप्शनल का क्या करना है क्या ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वाले आ, आ, साल में ऑप्शनल हट जाएगा कि ऑप्शनल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर में हटेगा तो देखिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना किसी को भी नहीं पता होती उड़ी उड़ी खबर आती है अगर एक खबर को दस लोग बोल दिए तो आप समझ लीजिए कि वो र्यूमर थोड़ा सा पक्का हो जाता है बट टिल द टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी फ्रॉम एनीबडी चाहे कोई बंदा इसके पहले प्रडिक्ट किया होगा उसकी सारी प्रडिक्शन करेक्ट निकल रही होगी उसके बाद भी ये वाली इंफॉर्मेशन अगर वो ऑफिशियल uh, नोटिफिकेशन में नहीं है तो वो र्यूमर की कैटेगरी में ही आएगी सो so, इसमें uh, मुझे बहुत सारे लोग ऑप्शनल के लिए पूछ रहे हैं तो आई थॉट कि लेट मी टेल यू कि मैं क्या कर रही हूँ ठीक है तो यहाँ पे जो पी मंथन वाले हैं इनके पास तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो ऐसे सब्सक्राइबर्स जब होते हैं तो दे ऑल्सो वेन दे फ्लोट द इन्फॉर्मेशन ये सोच समझ के इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करते हैं बट पास्ट में हमने ये भी देखा है कि जिनके पास ज्यादा सब्सक्राइबर है उनके पास भी कभी फॉल्स इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो फ्लोट हो जाता है तो ऐसे समय पे र्यूमर्स पे तो बिलीव नहीं करना है सो वॉट ही हैज रिटर्न हीयर कि ऑप्शनल हटना लगभग तय हो चुका है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए इसको अभी तक आप र्यूमर्स में ही काउंट करेंगे पर बाकी चार्ट में क्या चल रहा है ये हमारी वो पर्सनल ग्रुप है जहाँ पे आ, कुछ बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिसमें से टॉपर वगैरह भी हैं तो यहाँ इनका ये कहना है कि अलाहाबाद में तो यही बात चल रही है जिनके भी सोर्स हैं सब अपने फ़ोन घुमा चुके हैं यूट्यूब वाले घुमा घुमा के देखेंगे बट इनका ये कहना है जब एक साथ इतने लोग बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा और अगर होगा तो दिस इज़ द पैटर्न वॉट ही इज़ टॉकिंग अबाउट अगेन र्यूमर ठीक है तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पक्का इन्फॉमेशन है इसको भी आप यूमर की कैटेगरी में डालते हैं तो आप क्या करें जो मैं कर रही हूँ आप वो कर सकते हो दैट इज़ बिकॉज मुझे लगता है कि जो ऑप्शन मैंने चूज़ किया है दैट इज़ अ वैलिड वन कंसिडरिंग कि इतने र्यूमर्स चल रहे हैं मार्केट में तो अगर स्क्रीन की इंफॉर्मेशन विजिबल होगी तो बिकॉज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल मैं छः घंटा ही पढ़ाई के लिए निकाल पाती हूँ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट की हूँ घटना चक्र आई एम रीडिंग द घटना चक्र जोग्राफी का जोग्राफी इंडियन जोग्राफी चालू किया था मैंने आई थिंक आज या कल में वो फिनिश हो जाएगा Uh, उसके बाद मैं साइंस एंड टेक पकड़ूँगी तो मैं प्री के लिए जो घटना चक्र है ना उस वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है स्पीच टू टैक्स से मैं नोट्स बनाती हूँ मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में आपको बता दूंगी कि स्पीच टू टैक्स से कैसे नोट्स बनाते हैं बिकॉज़ प्री के लिए जो नोट्स बनता है ना उसको क्विक रिविजन चाहिए होता है तो उसके लिए हमको हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड स्पीच टू टैक्स जो होता है ना वो काफ़ी फास्ट नोट्स बना देता है क्योंकि हमको सिर्फ फैक्ट्स और फैक्ट्स लिखने होते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसे ज़रूर देखिएगा हैंड रिटन नोट्स के कंपैरिजन में आपका बिल्कुल जो नोट्स uh, मेकिंग का टाइम है ना रिड्यूस करके हाफ हो जाएगा तो यूजिंग दैट वन आवर का घटना चक्र uh, मैं पढ़ रही हूँ जोग्राफी uh, का स्टार्ट किया है एक घंटा मैंने स्पीडी स्पीडी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के लिए है uh, तो इसलिए मैं करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स मैंने पहले भी बोला था बिकॉज मैं र्यूमर्स पे वैसे मुझे मैं मतलब लाइफ में यही एक्सपीरियंस रहा है कि र्यूमर जहाँ भी होता है कहीं ना कहीं सच्चाई होती है यू नो धुआँ वहीं से उठता है जहाँ आग लगी होती है वाला फंडा है और मैंने देखा है कि र्यूमर्स करेक्ट होते हैं वो कितने सार्थक होते हैं ये नहीं पता क्योंकि देखिए र्यूमर्स तो मतलब बातचीत चल रही है गलती से अगर अप्रैल या मई में, में हो गया तो एक महीना हमको कम मिलेगा पढ़ने के लिए इसलिए मैं करंट अफेयर्स का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ पिछले पाँच सात वीडियो में तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स बता ही रही हूँ तो इसलिए आई एम ओनली टेलिंग यू ऑल दोज थिंग्स विच आई एम फॉलोइंग माई माई सेल्फ मैं जो खुद फॉलो कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल तो करंट अफेयर्स इज वॉट आई गिव फॉर वन आवर वन पॉइंट फाइव आवर्स में आंसर राइटिंग करती हूँ आंसर राइटिंग इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा जी एस वन टू थ्री फोर के नोट्स रेडी हैं क्योंकि मैंने एक मेन्स लिखा है मेन्स में क्वालिफाई नहीं किया तो मुझे अपनी गलती समझ में आई तो मैंने फटाफट जैसे ही मैं मेन से निकल के आई थी आ, लास्ट ईयर का जो प्री दिया था प्री के एग्जाम के बाद में मैं तुरंत ही मेन्स का नोट्स पे तो मेरा मेन्स का नोट्स रेडी है तो मैं आंसर राइटिंग करती हूँ कितना आंसर राइटिंग करती हूँ अगर आपको चाहिए होगा तो अगली वीडियो में बता दूंगी सो दिस इज़ वॉट आई डू देन वॉट आई एम डूइंग इज दिस टू थिंग्स वॉट यू कैन डू अब र्यूमर में से कोई भी चीज़ सच हो सकती है हो सकता है कि ऑप्शनल रहे हो सकता है ऑप्शनल निकल जाए तो आपको क्या करना चाहिए ऑप्शनल अगर होता है तो मैं ऑप्शनल के लिए वन पॉइंट फाइव आवर्स की पढ़ाई कर रही हूँ ऑप्शनल की पढ़ाई मतलब मुझे नहीं पता आपके ऑप्शनल में क्या है पर मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल देखा था क्योंकि मैं सोच रही थी कि केमिस्ट्री में स्विच करूँ केमिस्ट्री ऑप्शनल देखा है मैंने इकनॉमिक्स ऑप्शनल देखा है मैंने फ़िलोसफी uh, ऑप्शनल देखा है ये तीनों का मुझे ये तीन, ये तीनों के पैटर्न मुझे पता है और ये तीनों के पैटर्न यू पी के लिए आपको बता दूं कि लास्ट ट्वेंटी 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 फाइव का अगर आपने ओपन बुक करके अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ऑप्शनल आपका रेडी हो जाएगा ऑल द क्वेश्चन विल बी सॉल्व अगर आपने बीस से पच्चीस साल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है और एक या दो बेसिक बुक बेसिक बुक्स लगती है अगर हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करें तो ट्वेंटी फाइव ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर और एच ए लहूजा की जो बुक आती है ना मैक्रो एंड माइक्रो की उतना इनफ होता है ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए वैसे ही केमिस्ट्री का मैंने पेपर देखा है केमिस्ट्री का लिटरली uh, लिटरली अगर आप स्टडी करते हैं मैं तो फिजिक्स वाले की उससे वीडियो uh, देख रही थी मुझे एक स्टूडेंट ने हेल्प भी किया था इससे तो केमिस्ट्री ऑप्शनल भी प्रीवियस ईयर पूरा के पूरा मतलब केमिकल इक्वेशन भी होते हैं ना वो भी प्रीवियस ईयर पेपर के ही आते हैं नया कुछ नहीं आता है ठीक है तो ये हो जाता है एक और दूसरी बात तो ऑप्शनल का आपको क्या करना है कंसीडरिंग की र्यूमर है कंसीडरिंग की फिफ्टी फिफ्टी चांस है कि ऑप्शनल रहेगा भी और फिफ्टी परसेंट चांस है कि हमारा फिफ्टी परसेंट चांस है कि यूपी स्पेशल रहेगा अगर ऑप्शनल रहता है तो इसको भी आप डेढ़ घंटा दे दीजिए और यूपी स्पेशल को भी डेढ़ घंटा दे दीजिए ऑप्शनल में मैं क्या कर रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर मैंने एक्चुअली टू एंड सिक्स तक कर लिया है टू एंड सिक्स के बियॉन्ड मैं टू एंड फाइव का सॉल्व कर रही हूँ अब तो जितना भी डेढ़ घंटे में एग्जैक्ट टाइमर लगाती हूँ और यूपी स्पेशल के लिए मैं स्टार्टिंग में क्या कर रही हूँ आई डोंट नो विच बुक टू गो टू बिकॉज मैं यूपी में रहती नहीं हूँ तो मैं जो जय हो स्टडी वाले हैं और तीन चार और जो आ, तीन चार और भी लोग हैं जो कि तीन चार और भी वीडियोस वाले हैं जो कि यूपी स्पेशल के वीडियोस हैं आपको यूपी स्पेशल के वीडियोस यूट्यूब में भर भर के मिलेंगे तो आप क्या करिए यूपी स्पेशल वाले वीडियोस को ना देखना स्टार्ट कर दीजिए इससे ये होगा कि अगर यूपी स्पेशल आता है तो आपके लिए कुछ शॉकिंग नहीं होगा प्री में अगर एक बात और याद रखिए अगर सच में ऑप्शनल इस बार चेंज होता है और अगर यूपी स्पेशल को मेन्स में डालते हैं दैट मीन्स प्री में भी सॉरी मेंस में अगर डालते हैं तो प्री में भी पैटर्न चेंज होगा क्योंकि अभी तक हम यूपी स्पेशल का क्वेश्चन नहीं देखते हैं बट अगर यूपी स्पेशल एज अ सब्जेक्ट हमारे मेंस में अगर ऐड होता है दैट मींस हम प्री में भी सब्सटैंडियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं तो कंसिडरिंग कि अगर ये वाली न्यूज़ करेक्ट है या ये वाली न्यूज़ करेक्ट है देखिए बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और पेशेंस लाना पड़ेगा क्या करें क्या करें हर बार घबराएंगे हर बार समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे यू नो परेशान होने से अच्छा है कि कुछ सार्थक करिए यू नो जो समझ में आ रहा है वो करिए किसी को किसी के पास बेटा किस्से के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है सिर्फ आयोग के पास में इंफॉर्मेशन है जो बोलते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स हैं आयोग में यार वो भी कॉल करके क्यों रिस्क लेंगे आपको बताने का टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में जहाँ पे एवरीथिंग कैन बी टैब्ड एवरी कैन बी रिकॉर्डेड एंड एवरी कैन बी एक्सप्रेसड ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म तो आप मुझे बताइए अगर आप अपने आप को ही देखिए कि आप आयोग में काम कर रहे हैं और आपको अंदर की सीक्रेट पता है और सीक्रेट मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपका अगर बेस्ट फ्रेंड भी आपको बोल रहा है तो सुनना मुझे सीक्रेट बता क्या आप उसको कॉल पे सीक्रेट बताएंगे एकदम एक्सप्लेन करके कि नहीं यार इतना मिला उतना मिला नहीं बताएंगे क्योंकि यार टेक्नोलॉजी जानते हैं कितना ज़्यादा चीज़ें वायरल होती हैं तो उस चीज़ को हर किसी को अपनी नौकरी प्यारी होती है रोजी रोटी का सवाल होता है तो प्लीज़ र्यूमर्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना है बट यू र्यूमर्स को देख के क्या चल रहा है मार्केट में देख के घबराना नहीं है स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है ज़िंदगी में ठहराव ला के चीज़ों को देखना है और ठहराव ला के जब सोचेंगे तो लॉजिक यही बोलता है कि क्यों ना आने वाले एक हफ़्ता जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है उस एक हफ़्ते में हम वन पॉइंट फाइव आवर्स ऑप्शनल पढ़ते हैं और कुछ समय यूपी स्पेशल को देते हैं यूपी स्पेशल को अगर आप देते हैं मान लीजिए पैटर्न पैटर्न नहीं बदला तो पता है आपका इसका बेनिफिट क्या होगा मेंस के एग्जाम में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और अगर आपने यूपी स्पेशल वाले वीडियो देखे हैं ना तो आप जब आंसर राइटिंग कर रहे होगे तो वहाँ पे यूपी के ये सब जब आप फैक्ट्स डालेंगे ना तो वो जो ब्राउनी पॉइंट्स बोलते हैं ना ब्राउनी पॉइंट्स आपको मिलते हैं आंसर राइटिंग में ब्राउनी पॉइंट्स कब मिलते हैं जब आपका आंसर आपके कॉम्पिटेटर के आंसर से डिफरेंट होता है तो वेन यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट जिसके लिए आप एग्जाम दे रहे हैं और उस नॉलेज को अगर आप आंसर राइटिंग में उतार के लाते हैं तो आपके लिए ही फायदा है तो बेटा नुकसान कहीं नहीं है इज ऑल आई हैव टू से एंड दोनों र्यूमर की दोनों साइड को बैलेंस करते हुए ऑप्शनल का चाहे आप कोई भी ऑप्शनल ले रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर को ओपन बुक करके रखिए अच्छा ओपन बुक सॉल्व कैसे करती हूँ मैं तो अभी आप क्या कर सकते हैं लिखिए लिखिए कुछ भी नहीं क्वेश्चन देखिए उस क्वेश्चन को गूगल में सर्च करिए या फिर कोई भी बुक में जहां पे उसका आंसर होगा उसका फोटो खींच के एक फोल्डर बनाते जाइए तो एटलीस्ट आपका रिसर्च वर्क एक साथ रहेगा मान लो ऑप्शन नहीं हटता है तब भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर का रिसर्च वर्क एक फ़ोल्डर में रहेगा जब समय मिलेगा जब क्लैरिफिकेशन मिलेगी तब हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा यार कितने सारे विकल्प हैं आप लोग घबराते बहुत ज़्यादा हैं आप लोग स्टेबिलिटी uh, थोड़ा सा लेके आइए मेरा सिर्फ यही कहना है ऑप्शनल का आप छोड़िए मत ऑप्शनल को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते चलिए और एक एक दो दो वीडियो यूपी स्पेशल का देखते चलिए दिस इज़ वॉट आई एम डूंग अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ उसके बाद में मैं ट्यूशंस लेती हूँ एंड मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ वीडियो बनाना मेरा हॉबी है तो जब मैं ये सारे काम कर सकती हूँ उसके बाद भी छः घंटा पढ़ सकती हूँ तो आई थिंक आई थिंक सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ अ स्टूडेंट फुल टाइम ही प्रेपरेशन कर रहे हैं राइट तो इफ़ दैट बी इन द केस आप भी पढ़ाई कर सकते हैं और अगर मैं ऑप्शनल और यू पी स्पेशल को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं और सबसे आखिरी बात कि स्टैटिस्टिक्स का क्या करें क्योंकि एक भाई साहब ने ये भी लिखा है कि अगर पैटर्न चेंज होता है तो 150 नंबर का यूपी स्पेशल आएगा एंड 50 नंबर का आएगा हमारा स्टैटिस्टिक्स तो कुछ नहीं है आप बाकी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है ना आप बाकी चीज़ें तो करिए आपके पास में प्री की पढ़ाई है उसके बाद में आपके पास में ऑप्शनल है यूपी स्पेशल है उसके बाद में आपका जी एस वन टू थ्री है आप इसकी तैयारी करिए जैसे प्री का एग्ज़ाम हो जाता है और प्री के एग्ज़ाम के बाद में, में मेंस का रिजल्ट आने में दस से पच्चीस पंद्रह से बीस दिन लगते हैं ना तो उस पंद्रह से बीस दिन में स्टैटिस्टिक्स आराम से कवर हो जाएगा कोई भी सब्जेक्ट पच्चीस से तीस दिन में कवर हो जाता है तो जब तक वो रिजल्ट आएगा तब तक आपको तीन दिन में समझ में आ ही जाएगा की के बाद में कि आप प्री क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स अब कर लेना तो अगर अभी जिसकी क्लैरिटी है कम से कम उसे पढ़ाई करिए जिसकी क्लैरिटी नहीं है उसके पीछे आप क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं है ना जिस दिन क्लैरिटी मिल जाएगी उस दिन स्ट्रैटेजी चेंज भी हो जाएगी जो स्ट्रैटेजी मैं अपनाऊंगी वो मैं आपको बता दूंगी वीडियो में वैसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे सर लोग हैं जो कि आपको स्ट्रैटेजी बता देंगे जिनकी आपको जमती है उसकी लेके आप पढ़ाई चालू करना सी यू पी आपको आयोग में जब हम काम करेंगे ना तो हमारा कोर रूटीन यही रहने वाला है कि हमारी लाइफ डायनेमिक रहने वाली है हमको अगर एक हज़ार रुपये का स्कीम को हमको इम्प्लीमेंट करना होगा ना तो हमारे पॉकेट में छः सौ रुपये ही दिए जाएंगे समझ रहे हैं आप बात को तो यूपी आयोग में काम करने के बाद अगर आप एस या डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो आपके हाथ में कम पैसे होंगे और आपको पॉलिसी ज़्यादा पैसे का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो वो जो डायनेमिक लाइफ आप बाद में जीने वाले हो ना उसे अभी से जिए कोई बात नहीं यार जब आएगा क्लैरिफिकेशन मिलेगा अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करते जाइए और कोई भी चीज़ें ना वेस्ट नहीं जाएंगी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम में आएंगी सो ऑप्शनल एंड साइड बाय साइड यूपी स्पेशल पढ़िए घबराइए नहीं बस इस इस हफ्ते में सारा क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा सो so, बाकी लोग का आई होप ऑप्शनल का आपको आंसर मिल गया होगा प्रीवियस ईयर पेपर स्टिक टू प्रीवियस ईयर पेपर आपको और कुछ नहीं करना है उत्तर प्रदेश पी के लिए बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं पिछले पच्चीस साल से ही क्वेश्चन आते हैं I hope this video was helpful to you. Jai hind.